सारे दोस्तों कैसे हो आप लोग। टॉप 3 बेस्ट कर्व डिस्प्ले मोबाइल अंडर 15,000। तो दोस्तों आपको अगर पसंद है कर्व डिस्प्ले और आपकी बजट अगर कम है तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं। इस वीडियो में ऐसे 3 कर्व डिस्प्ले डिवाइस के बारे में बात करेंगे जो आपको मिलने वाला है सिर्फ 15,000 के अंदर। और दोस्तों ये सभी मोबाइल इन्फिनिक्स और इन्फिनिक्स के सब ब्रांड के होने वाली है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं। तो इस लिस्ट की जो सबसे पहला डिवाइस है वो आता है इन्फिनिक्स की सब ब्रांड आईटेल की तरफ से आईटेल S23 Plus। तो दोस्तों ये मोबाइल इंडिया का चीपेस्ट कर्व डिस्प्ले मोबाइल है जब इसकी जो प्राइस वो 14,000 है, सेल पे ये आपको 13,000 पे मिल जाता है। तो एक एक करके सभी फीचर को जान लेते हैं यहाँ पे आपको क्या कुछ मिलने वाला है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.78 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड 3D कर्व डिस्प्ले। हाँ दोस्तों कर्व डिस्प्ले वो भी एमोलेड। तो यहाँ पे आपको जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के फीचर है वो भी मिल जाएगा। और दोस्तों बात करें रिफ्रेश रेट की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 500 पीक ब्राइटनेस के साथ। तो दोस्तों डिस्प्ले काफी बेहतर है, मतलब 1000 टाइम बेटर है प्राइस के हिसाब से। और दोस्तों वही भी बात करें कैमरा की तो यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलेगा जिसे आप 1080p वीडियो शूट कर सकते हो 30 FPS पे। और दोस्तों वही बात करें सेकंड कैमरा की तो सेकंड कैमरा आपको मिलने वाला 0.08 मेगापिक्सल का कैमरा। और दोस्तों वही बात करें फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का जिसे आप 1080p वीडियो शूट कर सकते हो 30 FPS पे। और दोस्तों वही बात करें बैटरी की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 18W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों 18W की आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। वही पे बात करें रैम की तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8+8 16GB रैम और वहीं पे आपको 256GB का रोम मिलेगा। तो दोस्तों 8GB आपको वर्चुअल रैम और 8GB आपको इंटीग्रेटेड रैम मिलेगा UFS 2.0 टाइप की। और दोस्तों बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला यूनिसॉक टिगर T616 चिपसेट। प्राइस के हिसाब से चिपसेट ठीक ठाक सा है, मतलब काम चल जाएगा। और दोस्तों बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला एंड्रॉइड 13 और आईटेल ओएस 13 आपको रन मिलेगा। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2 ईयर की वारंटी जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों वही पे बात करें इसकी प्राइस की तो दोस्तों इसकी जो नॉर्मल प्राइस वो 14,000 रहता है, पर कोई भी सेल आता है अमेजोन पे वहाँ पे आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है और डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 13,000 पे आ जाता है। तो दोस्तों इसलिए इसकी जो नेक्स्ट डिवाइस वो आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स 0 सीरीज की इन्फिनिक्स 030। तो दोस्तों ये भी काफी शानदार सा एक डिवाइस है जहाँ पे आपको काफी अच्छा कैमरे फीचर मिल जाता है। दोस्तों आपको अगर बजट में कर्व डिस्प्ले और कैमरा सेंट्रिक मोबाइल चाहिए तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। ये दोस्तों है इन्फिनिक्स की इन्फिनिक्स 030। तो फीचर वाइज ये डिवाइस काफी शानदार होने वाले, तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो दोस्तों फीचर में सबसे पहले आपको मिलने वाला 6.78 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड 60° गोल्डन कर्व डिस्प्ले। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है 120 हर्ट्ज की 10-bit एमोलेड 3D कर्व डिस्प्ले जो प्राइस के हिसाब से काफी सही डिस्प्ले। और दोस्तों इसकी बात और एक इसके हाइलाइटेड फीचर है वो इसकी कैमरा है। इसको अब बजट की कैमरा सेंट्रिक मोबाइल भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे रियर और फ्रंट कैमरा से दोनों से ही आप 2K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो जो इस प्राइस पॉइंट पे अदर कोई भी डिवाइस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे रियर पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जब मेन कैमरा 108 MP का होगा। वॉइस मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकते, उसके साथ साथ दो कैमरा आपको मिल जाएगा 2 MP + 2 MP का दो सेंसर। और दोस्तों बात करें फ्रंट कैमरा तो फ्रंट कैमरा आपको 50 MP का मिलने वाला है जहाँ पे आप फ्रंट कैमरा से भी 2K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो प्राइस के हिसाब से कैमरा इस बजट में सभी जितने सारे डिवाइस है उससे सबसे बेहतर है होने वाले है। और दोस्तों बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है हीलियो G99 प्रोसेसर जो 6 NM पे बेस है। तो प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर भी काफी सही सा है। और बात करें रैम रोम की तो यहाँ पे आपको 8+8GB वर्चुअल रैम मिलेगा, मतलब 16GB का रैम होगा और 256GB का रोम होगा। और बात करें बैटरी और चार्जर की तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी मिलेगा विद 45W फास्ट चार्जिंग। तो देख सकते हो जितने सारे फीचर मैंने अभी तक बताए वो सब कुछ एकदम प्राइस को जस्टिफाई करते हैं और इस प्राइस पॉइंट पे काफी बेहतर बेहतर फीचर इस मोबाइल पे प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों इस मोबाइल के आपको 3 कलर वेरिएंट मिलेगा, एक गोल्ड, एक लेदर पे और दोस्तों एक ग्लास जो मार्बल फिनिश पे आएगा। तो कलर भी काफी सही सा है। तो जो मेनली हाइलाइटेड दो फीचर है, एक तो होगा इसकी कर्व डिस्प्ले और दूसरा होगा इसकी कैमरा जो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आप अगर 15,000 में एक डिवाइस लेना चाहते हो तो इन्फिनिक्स की इन्फिनिक्स 030 इस डिवाइस के साथ जरूर जा सकते हो। या फिर सिर्फ एक ही बैकलॉक है, एक जो डिवाइस है वो 4G होने वाला है।
हाँ दोस्तों, इस टाइम पे एक 5G नहीं है, ये सिर्फ एक 4G डिवाइस है। फिर भी प्राइस के हिसाब से जितने सारे फीचर अदर दिया गया वो काफ़ी सही है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप अगर लेना चाहते हो इसको जरूर ले सकते। तो दोस्तों आप इसलिए इसकी जो नेक्स्ट डिवाइस है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ये आता है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो स्पार्क 20 Pro Plus। तो दोस्तों ये टेक्नो का अपकमिंग डिवाइस है जो 2024 की जनवरी पे इंडियन मार्केट पे लॉन्च होने वाले है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको लेदर बैक मिल जाता है और कार्ब डिस्प्ले भी मिल जाता है और कैमरा काफ़ी तगड़ी होने वाला है इस डिवाइस के। और दोस्तों ये सब कुछ मिलने वाला है सिर्फ आपको 15,000 के अंदर। तो एक एक करके इसके भी सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.7 इंचेस का फुल HD+3D कर्व डिस्प्ले, वो भी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो डिस्प्ले काफी अच्छा होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कंट्रोल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा, तो ये भी लुक वाइज काफी प्रीमियम फील देगा। और दोस्तों बात करें अदर फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बैक पे लेदर डिजाइन जो भी काफी प्रीमियम होगा, और जो कैमरा मॉडल वो आपको राउंड शेप पे मिलेगा और ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जहाँ पे मेन कैमरा आपको 108 मेगापिक्सल का मिलने वाला है और दो अलग सेंसर भी मिल जाएगा। और वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, तो कैमरा वाइज भी काफी अच्छे होने वाला है ये डिवाइस। और दोस्तों बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 16GB रैम, जहाँ पे 8GB वर्चुअल रैम होने वाला है, उसके साथ साथ 256GB रोम भी मिलेगा। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको और एक 128GB वाला वेरियंट भी मिलेगा। वहीं पे बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 5000mAh का लार्ज बैटरी विथ 33W फास्ट चार्जिंग, तो इस प्राइस पॉइंट पे 33W काफी अच्छा है। और दोस्तों बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है एंड्रॉइड 13 विथ हाई ओएस। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको चिपसेट कौन सा मिलने वाला है? हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G99 4G चिपसेट। हाँ दोस्तों ये मोबाइल एक 4G मोबाइल होने वाला है, 5G नहीं होगा। तो कम बजट पे आपको अगर कर्व डिस्प्ले पसंद है तो आप इसके साथ जरूर जा सकते हो। बात करें इसकी प्राइस की, तो लीक के द्वारा खबर आ रहा है ये जो मोबाइल है ये अंडर 15,000 लॉन्च होगा। हाँ दोस्तों अंडर 15,000। और दोस्तों बात करें लॉन्च डेट की, तो 2024 की जनवरी में ग्लोबली और इंडियन मार्केट दोनों जगह पे ये लॉन्च हो जाएगा, तो जनवरी पे आप इस मोबाइल को बाय कर सकते हो। और दोस्तों आप अगर सोच रहे हो टेक्नो और आईटेल ब्रांड अननोन सा ब्रांड है, इसका मोबाइल उतना अच्छा नहीं होगा, तो आप बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि ये टेक्नो, आईटेल और इनपिक्स तीनों ब्रांड ही एक ही ब्रांड के अंदर आता है, वो है ट्रांजेंग होल्डिंग। तो तीनों के मोबाइल बहुत ही अच्छा, जैसे आप इनपिक्स पे ट्रस्ट करते हो वैसे ही टेक्नो और आईटेल दोनों ब्रांड पे भी ट्रस्ट कर सकते हो। और दोस्तों तीनों ब्रांड की मोबाइल कभी कभी सेम सेम होता है, सिर्फ ये रीब्रांड करता है, जैसे वीवो, ओप्पो और पोको में आपको देखने को मिलता है, सेम यहाँ पे भी होता है। दोस्तों यही था टॉप 3 बेस्ट कर्व डिस्प्ले मोबाइल अंडर 15,000। तो वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए।